हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आर चैनल आज के लेक्चर में हम टीचिंग स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं एक जिसका नाम है टीम टीचिंग ठीक है देखो टीचिंग स्ट्रैटेजीज में आपको मैंने लेक्चर मेथड ब्रेन ये सब बताया है वैसे ही एक हमारा लास्ट जो टीचिंग स्ट्रैटेजी रहता है वो हमारा टीम टीचिंग होता है ठीक है यानी जो yani होती होती है, है? वो क्यों होती है? कि क्लास के अंदर हमें teaching की conditions बना सकें, क्योंकि क्लास हमारी एक टीम ही तो है है ना बहुत सारे लोग बैठे हैं एक टीम ही है ठीक है तो टीम टीचिंग हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये एक, एक तरह का इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक हमारा टीचिंग आ, हमारा जो है टीचिंग पर्सनल है देन हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको असाइन होंगे इसके अंदर दो या दो से ज्यादा टीचर्स हो सकते हैं जो साथ में काम करते हैं जस्ट टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट यानी बच्चों को कुछ सिखाने पढ़ाने का काम करते हैं ठीक है अलग अलग डेफिनेशन जो है वो दी गई है टीचिंग टीम टीचिंग की उसको आप रेफर कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं इसके तो इसको हम एक टीचिंग मेथड कहते हैं टीम टीचिंग इज अ टीचिंग मेथड दो या दो से ज्यादा टीचर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं टीम टीचिंग जो है आपका कॉपरेशन पे डिपेंड करता है जहां पे बच्चे और जो टीचर्स हैं आपस में मिलके कॉपरेट करके बच्चों के लिए रिसोर्सेस लाते हैं और उनके लिए टीचिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं ठीक है टीम टीचिंग के अंदर जो भी टीचर्स इन्वॉल्व हैं वो पूरा मिलकर एक प्लान प्रिपेयर करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है इस प्रोसेस के अंदर यू नो टीचर नीड्स अवेलेबल रिसोर्स ऑफ़ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर आल्सो केप्ट इन माइंड यानी कि जो बच्चों की और टीचर्स की जरूरतें हैं जो उनको पढ़ाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए और जो बच्चों को पढ़ने की जो उनकी मतलब यू नो नीड्स हैं जो उनको पढ़ना है सीखना है उसको दिमाग में रखा जाता है टीम टीचिंग के दौरान में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं सिंगल टॉपिक के बाय द टू टीचर्स यानी कि दो एक ही टॉपिक के अलग अलग तरीके के जो आपके एस्पेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे दो अलग टीचर्स के द्वारा ठीक है आगे बढ़े मेन ऑब्जेक्टिव टीम टीचिंग का होता है कि किसी भी तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जाए जो आइसोलेशन होता है टीचर्स का बाकी टीचरों के साथ वो एलिमिनेट हो जाएगा ये नहीं की एक टीचर अपना 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 कर रही है कोई उनको दूसरों से बिल्कुल अलग या मतलब ही नहीं है कोई कैसे पढ़ा रहा है ठीक है इसमें दो लोग मिलकर हैं आई मीन एक कलेक्टिव हो रहा है तो इससे वो चीज एलिमिनेट हो जाती है जो टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम टीचिंग के अंदर वो पूरी टीम पर डिपेंड करती है सिंगल टीचर पे सारा भार नहीं है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम टीचिंग में टीचर डिटरमाइन करेगी अपनी एक्टिविटी खुद से ही कोई सिखाएगा बताएगा नहीं और ये टेक्निक जो है इससे हम इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक सिचुएशन कंडीशंस क्रिएट करते हैं और जो प्लानिंग रहती है टीम टीचिंग की काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है ठीक है ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू यूज मोस्ट अप्रोप्रिएटली अट्रैक्टिव एक्टिविटीज कॉम्पिटेंसीज एंड इंटरेस्ट ऑफ़ अ टीचर कम्युनिटी यानी कि जो भी टीचर कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं कॉम्पिटेंसीज हैं उनको सबसे अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है इस मेथड के थ्रू टू मेक द क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव यानी कि जो क्लासरूम की टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाना बच्चों के इंटरेस्ट और कैपेसिटीज के हिसाब से जो ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ग्रुपिंग जो होगी वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से होगी और क्वालिटी है instruction की वो बढ़ा देना देखो एक 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 से 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 भला दो बोलते हैं ना तो जब ज़्यादा है 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 ऐसा नहीं है कि एक टीचर अच्छे से नहीं कि अच्छे पढ़ा सकती but then when you get more, it's good. ठीक टाइप ऑफ टीम टीचिंग क्या रहती है टीम ऑफ द सेम डिपार्टमेंट इसके अंदर क्या होगा जो हमारी टीम ऑफ टीचर्स है वो सेम डिपार्टमेंट की होगी ठीक है इस तरह की क्लासिफिकेशन होती है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए और इट इज पॉसिबल जब टीचर्स आर मोर देन एक से ज्यादा टीचर जब है ठीक है दूसरा हमारा आ गया है टीम ऑफ ऑफ टीचर्स वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन यानी कि इसके अंदर टीम ऑफ टीचर जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स की होती हैं उनको हम एक टीम में लाते हैं ठीक है जैसे साइकोलॉजी फिजियोलॉजी सोशियोलॉजी है ना ऐसे करके हम एक टीचर की टीम बना लेंगे जो हमें इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सके ठीक है इसमें बेसिकली इंटर डिसिप्लिनरी टीचिंग को एनकरेज कर रहे हैं सेम इंस्टीट्यूशन से बल अलग अलग डिपार्टमेंट से आ रहे हैं ठीक है तीसरा आता है हमारा टीम ऑफ टीचर ऑफ द सेम डिपार्टमेंट फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब सेम डिपार्टमेंट के अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग इंस्टीट्यूशन के उनको हम इकट्ठा करते हैं इस तरह की टीचिंग बहुत बेनिफिशियल रहती है और इस तरह की टीचिंग को हमको एनकरेज uh, करना चाहिए ठीक है जिसके अंदर क्या हो रहा है एक ही डिपार्टमेंट जैसे आपका डिपार्टमेंट साइकोलॉजी है उसी डिपार्टमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट्स टीचर्स को हम बुला लेते हैं ठीक है इससे हमारी टीचिंग काफी अच्छी इंप्रेसिव बन जाती है क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट से टीचर्स हैं सबका अलग अलग वे है अलग अलग बैकग्राउंड ठीक है प्रोसीजर ऑफ टीम टीचिंग क्या रहता है जो एफर्ट्स होते हैं हम बनाते हैं ना इस पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ताकि इफेक्टिव बना सके तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है सबसे पहली बात प्लानिंग टीम टीचिंग हो रही है देखो तो एक टीचर ने आके पढ़ाना है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर तैयारी करके आएंगी नोट्स बनाएंगी आ जाएंगी लेकिन अगर टीम ऑफ टीचर ने पढ़ाना है तो इसमें क्या होता है सबसे पहले तो प्लानिंग होगी एक प्लान क्रिएट होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं देन किस तरह के टॉपिक्स uh, किस तरह के हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा आउटलाइन बनेगा एक उसका फिर टास्क मिलेगा टीचर्स को उनके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से फिर एवेल्युएशन टेक्निक्स डिटरमिन होंगी तो ये हमारा प्लानिंग के अंदर हो गया देन हमारा आता ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज टीम टीचिंग हमें ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखना पड़ेगा जैसे कि लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा टीचर्स कुछ प्रेलिमिनरी क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं ताकि उनको पता रहे कि, कि किस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देनी है कम्युनिकेशन टेक्निक को सिलेक्ट करना है जिससे बच्चों की मतलब किस तरह की उनकी लैंग्वेज है उसके बेसिस पे उनको कौन सी चीज समझ में आएगी टीचर जो है लीड लेक्चर देती करते है, फिर उसी के आगे होता है। बाकी मेंबर्स भी एक बार एक करके अपने अपने लेक्चर डिलीवर करते हैं बच्चों के जो नीड्स uh, हैं उनको दिमाग में रखना ठीक है देन आपका इवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट आपने प्लानिंग कर लिया आपने ऑर्गेनाइज करके उसको डिलीवर कर दिया अब आपको Evaluate करना है। है इस 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 को बहुत मानते हैं इस पूरे process के अंदर, क्योंकि evaluation इस basis पे होती है कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है अब बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है उससे हमें क्या पता लगेगा कि जो teaching थी, वो कितनी इफेक्टिव थी ठीक है देन नेसेसरी मॉडिफिकेशन होती हैं। पहले आप इवेलुएशन कर रहे हो परफॉर्मेंस देख रहे हो उसके हिसाब से आप नेसेसरी मॉडिफिकेशन करोगे कि क्या जरूरत क्या चीजें हमको ऐड करनी चाहिए थी ठीक है आई बात यहाँ तक समझ में एडवांटेजेस की बात करूँ तो इससे हमारा क्या होता है ये इकोनॉमिकल मेथड है इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है इससे हमें स्पेशलिस्ट टीम टीचिंग को एक्सपोजर का एक्सपोजर मिलता है प्रोफेशनल स्टेटस टीचर का डेवलप होता है क्योंकि उनको नया नया नई नई यू नो लिटरेचर पढ़ना और नई टीम में वर्क करने को मिलता है देन टीम टीचिंग से अपॉर्चुनिटी मिलती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की साथ ही साथ में टीम टीचिंग से बच्चों को मल्टीपल चांस मिलते हैं कि वो डिस्कस कर सके स्कूल इन द टीम टीचिंग जो स्कूल बिल्डिंग स्कूल स्टाफ और बाकी रिसोर्सेज हैं उनको भी हम बहुत फ्लेक्सिबल मैनर में यूज कर सकते हैं ठीक है देन आपके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इसमें ज्यादा रूम ज्यादा फर्नीचर चाहिए जैसे मैंने कहा ना ज्यादा सब चीजें यूज होती है तो सब चीजें हमको ज्यादा चाहिए कभी कभार टीचर्स जो होते हैं वो हेजिटेट uh, करते हैं कॉपरेट करने से मतलब कुछ टीचर्स होते हैं ना थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं अपने तक ठीक है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं बट आप उनसे बोलो ग्रुप में आ जाओ या सबके साथ मिलकर वो थोड़ा हिचकिचाते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर चाहिए जिससे मतलब अब किस तरह से पावर डेलीगेट होगी दी जाएगी बांटी जाएगी बट कुछ स्कूल सिस्टम इस चीज को अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं रिसर्च वर्क इस पर्टिकुलर इस टीचिंग में नहीं था बहुत सारे वेरिएशन थे टीचर्स के रोल के अंदर जिसकी वजह से कुछ टीचर्स के ऊपर बर्डन थोड़ा बढ़ गया ठीक है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टीचिंग ड्यूरेशन ये सब चीजों के अंदर थोड़ी फ्लेक्सीबिलिटी कम थी ठीक है टीम so, टीचिंग मतलब आपको बेसिक आउटलाइन समझ में आई होगी ना कि दो या दो से ज्यादा टीचर्स मिल करके एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को जब पढ़ा रहे हैं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ठीक है उसके अपने फायदे नुकसान है वो मैंने सेक्चर में आपको बता दिए हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यू प्लीज पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग